गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा सरकारी जॉब से ही संबंधित जो मैं न्यूज़ लेकर आता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट आज 25 अक्टूबर है जो आने वाला था, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। इसका जो एक न्यू अपडेट आ गया है, जो अपडेट में बताया जा रहा है जो कि रिजल्ट अगले मंथ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जान लेते हैं कि किस तारीख को जो रिजल्ट है जारी किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को नीचे एक लाल बटन है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आता है सरकारी से संबंधित तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है sse.nic.in। ठीक है, टाइप करने के बाद आप इसे सर्च करना है। आप सर्च कीजिएगा तो जो एसएससी का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। तो चलिए, मैं सर्च करके अभी ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो एसएससी का वेबसाइट ओपन हो गया है। नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ 25 अक्टूबर का जो अपडेट है स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, ऑन 25/10 का जो रिजल्ट के बारे में है। तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो 25 अक्टूबर का ही अपडेट है। नीचे की तरफ आएंगे हम, तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं एमटीएस का जो नॉन टेक्निकल का जो रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट इसका 25 अक्टूबर को डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश जो इसका जो रिजल्ट है 5 नवंबर को रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, और यहाँ टाइम नहीं बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यह वीडियो पसंद आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।